नमस्कार विराट 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वाति। रीवा जिले के मोहनिया घाटी में बने सुरंग के खुलने का लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। जिले के गुढ़ स्थित बदवार में मोहनिया घाटी को 20 से काटकर आवागमन को सुगम बनाने के लिए दो सुरंग बनाए गए थे, जिसमें 6 लेन सड़क का निर्माण कराया गया। आवागमन के लिए दोनों सुरंग 3-3 लेन की बनाई गई है। इस टनल को मोहनिया पहाड़ की घुमावदार 10 किलोमीटर की सड़क को कम करने के लिए तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि झांसी रांची नेशनल हाईवे 39 स्थित मोहनिया घाटी सड़क में सुरंग के प्रोजेक्ट का काम अंतिम चरण में है, तथा यह टनल एमपी की सबसे लंबी 6 लेन सड़क की पहाड़ी सुरंग होगी, जिसमें निर्माण कार्य पूरा होने के बाद झांसी से रांची तक जाने वाले वाहन चालकों को राहत मिलेगी। वहीं लोगों को इससे मोहनिया घाटी के घुमावदार मोड़ व हादसों से भी निजात मिल जाएगा। इसके अलावा इस टनल के शुरू हो जाने से रीवा सीधी की दूरी भी 7 किलोमीटर की कम हो जाएगी। रीवा के गुड़ में बनकर तैयार है मोहनिया टनल, जल्द होगा लोकार्पण। रीवा सीधी की आम जनता को जल्द ही मोहनिया घाटी में सुरंग की सौगात मिलने वाली है। वह इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग 39 में रीवा सीधी सीमा पर निर्माणाधीन मोहनिया टनल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जिसके बाद सुरंग की फिनिशिंग का कार्य पूर्ण करने के बाद टनल के लोकार्पण का कार्यक्रम तय करने की तैयारियां भी तेज हो गई हैं, जिससे लोगों को बड़ी टनल की सौगात मिल जाएगी। इस टनल के लोकार्पण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज की आने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल टनल का निर्माण कार्य 3 महीने पहले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन फिनिशिंग और सीसीटीवी कैमरा लगाने सहित छोटे कार्य भी बचे हुए थे, जिसको अभी पूर्ण किया जा रहा है। इस टनल के शुरू होने के बाद सीधी से रीवा की दूरी तकरीबन 7 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसके अलावा वाहनों को मोहनिया घाटी के घुमावदार और खतरनाक चढ़ाई चढ़ने से भी लोगों को राहत मिलेगी। वाहनों के लिए घाटी से गुजरते हुए अभी 30 मिनट का समय लगता है। टनल से 5 मिनट में ही मोहनिया पहाड़ की दूरी लोग तय कर सकेंगे। अभी सीधी से रीवा की दूरी 82 किलोमीटर है, लेकिन टनल के शुरू हो जाने के बाद यह दूरी केवल 75 किलोमीटर की हो जाएगी। सीधी रीवा 2 लेन सड़क प्रोजेक्ट में मोहनिया टनल के सम्पूर्ण होने का समय मार्च 2023 निर्धारित था, लेकिन निर्माण एजेंसी ने पहले ही इस प्रोजेक्ट को पूर्ण करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। बताया जा रहा है कि टनल निर्माण के बाद फिनिशिंग का कार्य काफी तेजी के साथ पूर्ण किया जा रहा है, तथा टनल के अंदर सीसीटीवी कैमरे, पंखे और फायर कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं। साथ ही टनल के अंदर अत्याधुनिक लाइटिंग भी लगाई गई है। इसके अलावा टनल के अंदर अनाउंसमेंट की सुविधा होने के साथ साथ आपातकालीन स्थिति में संपर्क करने के लिए कॉलिंग की सुविधा भी दी गई है। बाकी के बचे कार्यों में 2.5 से 3 महीने का समय लगने की उम्मीद जताई जा रही है। टनल के दोनों ओर अप्रोच रोड का निर्माण भी पूरा कर दिया गया है, जिससे अब कभी भी इसका लोकार्पण कराया जा सकता है, क्योंकि आम जनमानस को भी इस टनल के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। मोहनिया टनल प्रोजेक्ट की लागत 1004 करोड़ रुपए है। यहाँ 2 टनल हैं। एक टनल की चौड़ाई 13.5 मीटर है, जहाँ एक टनल में से एक तरफ से 3 वाहन एक साथ गुजर सकते हैं। दोनों टनल के बीच 7 स्थानों पर इंटर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिससे टनल के अंदर जाने के बाद वाहन बीच से वापस लौट सकेंगे। दोनों टनल की लंबाई 2.39 मीटर है। आपको बता दें, मोहनिया सुरंग साबित होगी मध्य प्रदेश की मोहनिया पहली सबसे बड़ी टनल है। इस वजह से शासन द्वारा इसे बहुउपयोगी बनाने के लिए खास इंतजाम करने का निर्णय लिया गया था। मोहनिया टनल के अंदर आकर्षण लाइट समेत अन्य सुविधाएं मौजूद होंगी, जिससे इसका लुक बखूबी पर्यटक भी ले सकेंगे। आने वाले समय में पर्यटकों के लिए रीवा से सीधी यानी 82 किलोमीटर तक का सफर काफी रोमांच भरा होगा। रीवा से 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जब पर्यटक गुड़ के बदवार पहुंचेंगे, तब चंद किलोमीटर पहले ही उन्हें खाली पड़े हजारों हेक्टेयर पहाड़ी जमीन पर समुन्दर के पानी की तरह लहराती हुई सोलर पैनल्स दिखाई देंगी। यह कोई और स्थान नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा वही अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पावर प्लांट है, जिसका उद्घाटन 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, और इसी सौर ऊर्जा पावर स्टेशन से बिजली का उत्पादन कर दिल्ली मेट्रो के लिए सप्लाई की जाती है। इतना ही नहीं, जिस मोहनीय पहाड़ की हम बात कर रहे हैं, वह पहाड़ पहले दुर्गम हुआ करता था, जिसे पार करने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था,
लेकिन विकास के पंख ने गुड़ विधानसभा क्षेत्र में स्थित नेशनल हाईवे 39 से गुजरने वाले रीवा सीधी मार्ग की तस्वीर ही बदल कर रख दी। अगर टनल की बात की जाए तो इसे पार करते ही पर्यटकों को तीन अलग अलग नजारे देखने को मिलेंगे। टनल का मार्ग समाप्त होते ही ऊपर व नीचे दोनों ही ओर नहर दिखाई देगी और दोनों नहर के बीच से पहाड़ी में सुरंग काट कर टनल से होते हुए रास्ते का निर्माण किया गया है, जहां से लोग सीधी होते हुए लोग रांची पहुंच सकेंगे। इसके साथ ही इसी मार्ग पर लोग रेलवे ओवर ब्रिज का लुफ्त भी उठा सकेंगे, जो कि अपने आप में अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय होगा। टनल को लेकर मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री व वर्तमान में रीवा से भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि तकरीबन 2 माह के बाद टनल के लोकार्पण की स्थिति बन जाएगी। यह हमारे विंध्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है। विंध्य हमेशा से विकास से अछूता रह जाता था, जिसमें केंद्र सरकार के प्रयासों से अब विंध्य में बहुत ही महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं। इस टनल के निर्माण से लोगों को आवागमन करने में समय की बचत होगी, जो हमारे क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। यह टनल 3-3 लेन के ट्विन टनल है। आने वाले समय में रीवा से गुड़ टनल तक 4 लेन की सड़क का निर्माण कार्य कराया जाएगा, जिसके लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं। इसके लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी बातचीत की जा रही है। बन रही है तो सिंगरौली से आने वाली गाड़ियाँ सीधे उधर बेला निकल जाएंगी शहर में प्रवेश किए बिना। जो हमारा रीवा का पुराना बाईपास है वो 2 लेन है, जिसमें कि बहुत वाहनों का दबाव है और दुर्घटनाएं भी होने लगी हैं। इसलिए आने वाले समय में उस 2 लेन बाईपास को भी 4 लेन करने का मैंने निवेदन किया है केंद्र में, उसके भी प्रस्ताव बुला लिए गए हैं। तो रिंग रोड फेज 2 भी 4 लेन बन रहा है, फेज 1 4 लेन है ही। रीवा का पुराना बाईपास 2 लेन से 4 लेन जब हो जाएगा और फिर ये रीवा से गुड़ 4 लेन की सड़क बन के और फिर वो टनल से होते हुए और सिंगरौली सीधी से सिंगरौली 4 लेन बनी रहा है, तो कुल मिला के एक विश्व स्तरीय अधोसंरचना सड़क की हमारे यहाँ उपलब्ध हो गई है, ऐसा हम लोग गर्व कर सकेंगे। बहुत स्पीड से बनी है टनल, इसलिए कुछ समय 6 महीने पहले ही बन रही है, पूरी हो रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बिफोर टाइम बन के तैयार हो रही है और लगभग 1000 करोड़ रुपये इसमें अकेले अकेले टनल में खर्च हुए हैं, जो 2.28 किलोमीटर का है। 1000 करोड़ की लागत है, 2.28 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और हमेशा कहा जाता था कि रीवा से सीधी, नाम तो सीधी था लेकिन सड़क बहुत टेढ़ी मेढ़ी थी। तो हम लोगों ने कहा था बहुत पहले भाषण में कि रीवा हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो रीवा से सीधी सड़क को वास्तव में सीधा कर देंगे। तो इस टनल के माध्यम से सीधा हो रहा है। एक्सीडेंट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बताया जा रहा है कि प्रदेश का पहला ऐसा टनल है जो सब सुविधा सब सुविधा युक्त है और अत्याधुनिक। वास्तव में यदि आप देखें तो ये जो सोलर प्लांट से लेके और सोन पुल तक जो ये टनल और बाद में फिर आगे एक्वाडक्ट, फिर ROB, फिर फ्लाईओवर, मतलब सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं उसका दर्शन यदि करना है तो एक बार इस टनल से निकल के और आप चले जाइए सीधी तक सोनपुल तक, तो आपको जितने भी, जैसे नदी के ऊपर पुल बनता है उसको ब्रिज कहते हैं, और यदि घाटी है तो उसके ऊपर जो ब्रिज बनता है उसको एक्वाडक्ट कहते हैं, रेलवे के ऊपर जो पुल बनता है उसको रेलवे ओवर ब्रिज कहते हैं, सभी चीज़ें इसमें मिलेंगी आपको। इसलिए जब इसकी स्वीकृत की बात हो रही थी तो मैं कैबिनेट में था तो मैंने कहा था कि साहब ये रोड बनने के बाद लोग मुंबई से पुणे रोड, जिसकी बड़ी चर्चा है देश में, जो सबसे पहले 4 लेन की सड़क बनी थी जिसमें कई सुरंग बनी थी, हमने कहा कि मुंबई पुणे की सड़क को भूल के लोग इस रोड की विशेषता पर चर्चा करेंगे बनने के बाद। पूर्व मंत्री ने कहा कि टनल का निर्माण बहुत ही तेज गति से किया गया है, जिसके कारण समयावधि से 6 माह पहले ही पूर्ण रूप से बनकर यह तैयार हो जाएगी। केवल टनल में ही लगभग 1004 करोड़ खर्च हुए हैं। लोग मुंबई पुणे हाईवे को भूलकर नेशनल हाईवे 39 की विशेषता पर आगे बात करेंगे, क्योंकि इस टनल से गुजरने वाले लोग नदी, पहाड़, रेलवे का लुफ्त भी उठा सकेंगे। इस टनल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और CM शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में होने की संभावना जताई जा रही है। अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहे विराट 24 न्यूज के साथ।